गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नीरज जी की बात करें तो हम लोग ठीक है आपने नैरोमीटर के ऊपर चर्चा किया थी। नैरोमीटर क्या काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात किए थे हम लोग। ठीक है, उनके जो कंपोनेंट्स की बात किए थे, जो कि नेचुरल नैरोमीटर था, उन्होंने नैरोमीटर था नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बात किए थे हम लोग। ठीक है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, मानव पर्यावरण उसके बारे में बात किए थे हम लोग। प्राकृतिक पर्यावरण में हमने बायोटिक नैरोमीटर देखा था और एबायोटिक नैरोमीटर को हमने देखा था। बायोटिक नैरोमीटर में हमने क्या जाना था कि बायोटिक नैरोमीटर की बात करें तो जहाँ पे जो भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, एबायोटिक नैरोमीटर की बात करें तो जितने भी लिविंग थिंग्स है वो उनके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर और बात करें उसमें हमने देखा था बायोटिक के बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जिसको बायोस्फीयर कहा जाता है, स्फीयर ऑफ लाइफ, और साथ साथ एबायोटिक की बात किए थे तो उसमें लिथोस्फीयर की बात किए थे, स्फीयर ऑफ लैंड कहा जाता है, हाइड्रोस्फीयर की बात किए थे, स्फीयर ऑफ वाटर कहा जाता है, और साथ साथ हमने बात किया था एटमोस्फेयर के, स्फीयर ऑफ एयर वाटर कहा जाता है। ठीक है, तो एबायोटिक कॉम्पोनेंट का ही पार्ट है, लिथोस्फीयर की अलग अलग चर्चा करेंगे हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए। ठीक है,
प्रोटीन बात करें किस टाइप से कैसे छोटे कंपोनेंट्स या वाटर अंडर स्ट्राइक ठीक है। अगर आप लोग कुछ लैंड फॉर्म होते हैं वाटर प्लेटिव और एलन की बात करें ठीक है। आगे थोड़ी और पे चर्चा करें हम लोग ठीक है। दूसरे पॉइंट की चर्चा करें हम लोग यहाँ पे कुछ और पॉइंट की चर्चा करें हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे कह सकते हैं इट इज अबाउट 35 किलोमीटर कह सकते हैं आप 35 किलोमीटर ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड द क्रस्ट जिनको क्रस्ट कहते हैं। अब ये सर क्रस्ट क्या है तो 35 किलोमीटर का जिनका थिकनेस होता है सवाल क्या लगा लोगों को देता था कि वो 100 किलोमीटर कम से कम कह सकते हैं उनका थिकनेस होता है ठीक है। यहाँ पर बात करें 35 किलोमीटर का थिकनेस होता है क्रस्ट। आगे चर्चा करें थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं तो क्रस्ट की बात करें अगर क्रस्ट के नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगा मेल्ट मिलेगा ठीक है। इफ वी आर गोइंग टू बिलो द क्रस्ट देन वी कैन फाइंड मेल्ट। फिर उसके नीचे अगर जाते हैं तो आपने पता है मिडिल ऑफ द अर्थ वी फाउंड व्हाट कोर। तो हमने पता है कि कोर का इनर कोर होता है आउटर कोर होता है ठीक है। मेंटल का पता है आपको मेंटल होता है लोअर मेंटल होता है और सबसे ऊपर क्रस्ट सिस्टम हो जाता है मेंटल उसको ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी ठीक है हमारे लिथोस्फीयर के बारे में जो हमें जानना चाहिए ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है। इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं ये प्रोवाइड करते हैं। आगे बात करें
नेचुरल गैस, ठीक है, सोयल पहले जान लेते हम लोग, ठीक है। तो ये सभी चीजें है, ठीक है, वाटर को भी यूज करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य रूप में है इनके इंक्लूडिंग इम्पोर्टेंट जो हम लोग जानने के लिए जरूरी है। तो आपने देखा किस प्रकार से लिथोस्फीयर हम लोग के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आप अपने व्हाट्सएप में उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमसे वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।